नमस्कार, मैं रिंकी वाजपेयी, आप देख रहे हैं जगह न्यूज 24। भागलपुर में अपराधी कितने बेलगाम हो गए हैं कि उन्हें प्रशासन का जरा भी खौफ नहीं। फिल्मी अंदाज में एक अपराधी अपने हाथ में पिस्टल लहराते हुए आते हैं और दिन दहाड़े बेखौफ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार गोलियां फायरिंग करने लगते हैं। गांव वाले भी कुछ कम नहीं, उन्हें दौड़ाकर पकड़ लेते हैं और कर देते हैं पुलिस के हवाले। हालांकि इस घटना से पूरा इलाका सहमा हुआ है, लोग घरों में बंद हैं। ताजा मामला भागलपुर जिला अंतर्गत लोदीपुर थाना क्षेत्र के सरमस्तपुर गांव का है, जहां विनोद मंडल और उसके परिवार पर अपराधियों ने लगातार कई राउंड फायरिंग की। गनीमत रही कि गोली की लगातार चार फायर अपराधी चूक गए, लेकिन इस तरह की लगातार फायरिंग से पूरा सरमस्तपुर इलाका दहल उठा। इस गोलीकांड की घटना की कई एंगल से लाइव वीडियो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं किस तरह अपराधी दिन दहाड़े गोली तड़ातड़ मार रहा है। गोली चलाने वाला अपराधी वीरेंद्र मंडल उर्फ हग्गा अपने ननिहाल सरमस्तपुर में ही रहता है, जबकि उसका पुश्तैनी घर रहमतुल्लापुर नाथनगर बताया जा रहा है। विवाद का कारण घर के पास रास्ते का बताया जा रहा है। मौके पर लोदीपुर पुलिस पहुंची और अपराधी को अपने गिरफ्त में ले लिया। वहीं लोदीपुर थानाध्यक्ष आर के झा ने कहा कि उचित जाँच कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, भागलपुर बिहार से आशीष कुमार के साथ रंजन कुमार की रिपोर्ट। यह कि हग्गा मेरे भाई से या भतीजा से पहले बाती कर रहा था और वो अपराधी इतिहास का बार बार गली में जब भी गुजरता है तो वो गाली गलौज करते हुए जाता है, गली के बारे में कुछ से कुछ बकते रहता है और पी खा के चलते रहता है हमेशा। तो उसी क्रम में मेरा भतीजा उसको मना किया तो उसे उलझ गया। उलझने के बाद घर गया दौड़ के और दौड़ के उधर से फिर रिवॉल्वर लेके आया और हम भी बगल में सामने में आए तो मेरे ऊपर भी गोली चला दिया तो हम भी छिप के बच गए। तो बस मेरा फिर भाई था, भाई के ऊपर भी चला गया। फिर भाई बचने के बाद फिर मेरा भतीजा भी उधर बाहर में ही था रोड पे, तो उसके ऊपर फायर करते, उसके ऊपर जो फायर किया तो उस गोली को छिपा तो दीवार में लग गया, दीवार में गड्ढा हो गया है। यानी गोली कितना फायरिंग हुआ है? चार गोली चलाया है। ये गोली तो नीचे गिर गया उसका हाथ से झाड़ने के क्रम में और दीवार में भी तक दाग है। आपके सीसीटीवी फुटेज में भी है? सीसीटीवी फुटेज में भी आया है। तो क्या आगे क्या कार्रवाई हो रही है? आप लोग कहाँ जा रहे हैं अभी? अभी हम लोग एफआईआर करेंगे, केस करेंगे उसके ऊपर। तो अपराधी को पुलिस पकड़ के ले गई है? हाँ, उसी समय पकड़ के ले गई है। चलिए, उसमें मामला हुआ यही कि वो लोग जो पीखा के हरदम आते रहता है, गाली गलौज करके इस रास्ते में गली में चलते रहता है, उसी में बोले तो हमने से वो उलझ गया और जो है कुछ देर के बाद वो आया आवेश में और घर से कट्टा निकाल करके चार फायरिंग किया, उसमें तुम लोग बाल बाल बच गए और जो है गोली चला है। कहने का मतलब यह है किसके ऊपर गोली चला है? मेरे ऊपर चला और उसके बाद मेरा भाई बचाने गया तो उसके ऊपर भी फायर किया गया, जो अभी दिमाग में दीवार में अभी दाग है, गोली का दाग है। कौन चला है गोली, क्या नाम है उसका? वीरेंद्र प्रसाद मंडल उर्फ हग्गा। कहाँ घर है उसका? वो अस्थायी रूप से तो भी है रमतुल्लापुर, अस्थायी रूप से रह रहा है भागल यही सरमसेपुर में, मामा के यहाँ रह रहा है और ननिहाल में रहता है। ननिहाल में रह रहा है। वही गोली जो चला है, इसका मतलब है कि वो अपराधी किस्म का है या हाँ, कैसा लोग? सर, नशेड़ी भी है, जोड़ी भी है, इस तरह से उसके धंधे रहता तो है। गोली चलाया तो पुलिस नहीं आई घटनास्थल? पुलिस कुछ देर के बाद आई, उसके पास फोन करके बुलाया गया तब पुलिस आई। तो अभी पुलिसिया कार्रवाई क्या हुई है? पुलिस कार्रवाई अभी तो कहीं कोई चीज अभी बरामद नहीं किया उससे, हम लोग तो वहाँ पर खोद रहे थे। अपराधी जो था गोली चलाने वाला, उसको पकड़ के ले गई पुलिस? हाँ, पुलिस ले गई पकड़ करके, हम लोग उसको पकड़ के रखे थे। अब जो है चार गोली चला है, चार गोली चला है, जो कि सीसीटीवी कैमरा फुटेज में अभी प्राप्त है। खबरों की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जगह न्यूज 24।